2024 की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। एक तरह से जहां हर लोकसभा क्षेत्र में सारे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश सरकार है और पूरा केंद्र भी बाकायदा नज़र बनाए हुए है। आज इटावा में भी दो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं जो मत्स्य मंत्री हैं, और जो दूसरे मंत्री हमारे साथ चौधरी साहब हैं, ये भी आए हुए हैं। हम दोनों मंत्रियों से बात करेंगे, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से और संजय निषाद जी से, जिस तरह से लोकसभा को लेकर तैयारियां पूरी हुई हैं, तो किस तरह की आगे स्ट्रेटजी है, तो पहले हम संजय निषाद जी से जानते हैं। संजय जी, जिस तरह से बीजेपी ने बाकायदा अपनी तैयारी की है और आप लोग घटक दल भी हैं, तो किस तरह की आगे तैयारी रहेगी 2024 को लेकर? बाकायदा एक इंटरनल पोल भी कराया गया, ये जाना गया कि आगे लोकसभा में पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, और आप लोग घटक दल भी हैं, तो किस तरह से आगे पार्टी और पूरे लोग चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी NDA ने संकल्प लिया कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा में लाना, इस देश की जनता को सुरक्षा देना, उन्हें न्याय दिलाना और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को हम उसको सेवा करना, जो संकल्प थे माननीय मोदी जी के, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने तय की थी, उसी संकल्प में निषाद पार्टी भी है कि निर्बल को सबल बनाना है। और निर्बल इंडिया, निर्बल बनाया किसने? इसी पिछले सरकारों। तो जनता के बीच में जाना चाहिए कि किस सरकार ने क्या क्या किया है। हमारी सरकार, हम लोग किसी को नहीं गिनाते उन्होंने क्या किया, हम क्या किए हैं ये बताना हमारा धर्म है। क्योंकि इन लोगों ने, पिछली सरकारों ने जनता के साथ कितना धोखा दिया है कि इतना उनके साथ धोखा खाते खाते उनके दिमाग में ही रहता है कि जो भी नेता वो उसी तरीके से होगा जो पिछला है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, हमको अपने से अलग साबित करना है कि हम उन लाइनों में से नहीं हैं, उनके तरह नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं, आपकी सरकार है, आपके द्वार है। कहीं अगर अधिकारी कमी रखते हैं, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम भी पूर्वांचल में 5 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उसमें हमारा प्रबल मजबूत स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया रहा है, और वो भी एक संदेश, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। तो निषाद पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने भी तैयारी? ये कोई, हम मोदी जी, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करना, ये गलत शब्द है। आज के दिन में हम लोग मजबूत बनाने के लिए आए भारत को। आज आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल 2019 में सपा और बसपा एक हो गई थी उत्तर प्रदेश में, और एक होने के बाद ये मछुआ समुदाय माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। भैया भी उधर ही थे, ओम प्रकाश जी इधर नहीं थे, अलग लड़े थे। तो अगर मोदी जी के साथ मछुआ समुदाय पूरे देश में खड़ा हुआ, तो आप देखो 2019 कैसी ऐतिहासिक जीत हुई, फिर 2022 कितनी ऐतिहासिक जीत हुई, 2023 में नगर, जितने भी बड़े शहर हैं लगभग नदियों के किनारे हैं, चाहे गंगा के किनारे हों, जमुना के किनारे हों, चाहे बेतवा, घाघरा, राप, तो ये बड़ी नदियों के किनारे हमारी बड़ी संख्या है। आज मछुआ समुदाय पूरा का पूरा मोदी के साथ खड़ा है। हर समुदाय, कोई ऐसा वर्ग कह ही नहीं सकता कि मोदी जी ने उनके लिए काम नहीं किया हो। कोई ऐसी समुदाय के साथ साथ, जिस तरह से मैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने साथ दिया, अभी हाल में ही MLC चुनाव में उन्होंने साथ दिया, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से जो करीबियाँ होती जा रही हैं, तो इस तरह जब कई घटक दल होंगे तो कहाँ पर निषाद पार्टी जो अपने आप को देखें? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग देर में आए दुरुस्त आए। प्रकाश भैया सबको समझने में देर किए, 2017 में आए हीरो हो गए, और जैसे गए कहाँ जीरो हो गए, फिर समझ में आ रहा है इधर आएंगे तो हीरो हो जाएंगे। हम लोग जनता को हीरो बनाने के लिए आए हुए हैं, जनता को, देश को हीरो बनाने के लिए। मेरे साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी जी भी हैं, मैं इनसे भी जानता हूं कि हमें आप ये बताइए कि जिस तरह से मतलब देखा जा रहा है कि सांसद जो उन्नाव कन्नौज के सांसद हैं पाठक जी, उन पर बाकायदा समाजवादी पार्टी सीधे कह रही है कि वो उन पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है, पुलिस अब डर के घूम रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस संबंध में? इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, जानकारी नहीं। तो आज जो जिस तरह से ये मतलब 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो किस तरह से क्या रहने वाला है आज का? वो बाद में अभी सभी प्रेस करेंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी, इसी की प्रेस है। मेरी बात सुनो, सारे विकास कार्यों के बारे, सारे विकास कार्यों के बारे में अभी बोलेंगे, और कुछ अलग से वैसे पूछना है तो वो पूछ लीजिए, बाकी इन बारे में, विकास कार्यों के बारे में तो प्रेस में ही बोलूँगा मैं।
है बोलना। और जिस तरह समाजवादी पार्टी लगातार सीधे सीधे बीजेपी और पूरे घटक दलों को घेर रही है, आपके एक सांसद हैं कन्नौज से, उनको लेकर भी सीधे टारगेट किया जा रहा है, उस पर किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग भ्रमण करता हूँ जी। इटावा के और आजमगढ़ के अलावा समाजवादी पार्टी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं करता है। मुझे इटावा में ही जिक्र मिला है समाजवादी पार्टी का, या आजमगढ़ में मिलता है, और कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। अच्छा, और कहीं नहीं मिलता। तो ये आपने देखा, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, जिस तरह से सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसको लेकर पहुंचे हैं। सदर विधायक सरिता भदौरिया हैं, बाकायदा स्वागत किया जा रहा है, और स्वागत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है, जहां ये दोनों मंत्री और इटावा से जनप्रतिनिधि लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी जो योजनाएं हैं सरकार की वो जन जन तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, ABP गंगा, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।